हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8th मिड लाइन सर्वे सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ISI मार्क इज यूज्ड फॉर डैश प्रॉपर्टी हेल्थ सेफ्टी इम्प्योरिटी। ISI मार्क यूज होता है सेफ्टी के लिए। डैश इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलमान खान, सलीम खान, सलीम अली, अली अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर है सलीम अली। जेरूसा अबाउट लिव्ड एट डैश होम, जॉन ग्रियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्टन और अदर सच हैंगिंग मटेरियल इज डैश। तो इसका हो जाएगा ड्रेपरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड, डम, डेफ, लैम। तो इसका हो जाएगा डेफ। राइट योर नेम डैश द ब्लैक बोर्ड। प्रीपोजिशन क्या आएगा इसमें? राइट योर नेम ऑन दी ब्लैक बोर्ड। द जिराफ इज डैश देन एलिफेंट, क्या होगा? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मोस्ट ऑल। ये कौन सा है? कॉम्परेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? टॉलर। द वर्ड राइमिंग इज कार्स। कार्स का क्या होगा राइमिंग वर्ड? मार्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ डैश। कौन सी मंथ में होता है 30 डेज? अप्रैल में। हैव यू एवर डैश बस्तर मेला विजिट, हैव विजिट विजिटेड, विजिटिंग। तो इसका हो जाएगा विजिटेड। आंसर एनी वन क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट आई लुक लाइक इन द फॉग। द पोएट आई लुक लाइक अ बर्निंग लीड इन द फॉग। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड द माइंड बी लेड। द माइंड शुड बी लेड इन टू एवर विंडिंग थॉट एंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी वन क्वेश्चन, वॉट डू फीदर्स ऑफ बर्ड टेलर्स, फीदर्स ऑफ बर्ड टेलर्स अबाउट द लाइफ दैट दे लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सुधा लूज हर लेग, अपने पैर को कैसे गंवा दिया? सुधा लॉस्ट हर लेग इन अ रोड एक्सीडेंट। उसके बाद रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये पैसेज देखते हैं, वॉट इज द कॉज ऑफ ट्रेविया। तो द कॉज ऑफ ट्रेविलिया इस ट्रेवल बग, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, ट्रेवेलिया अफेक्ट डैश पीपल, वेल्दी पीपल। उसके बाद नेक्स्ट, द सिम्टम्स ऑफ ट्रेवेलिया आर रेस्टलेसनेस होगा इसका आंसर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यूज करें। देयर वॉज डैश बिग फॉरेस्ट, देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट, द बनियान ट्री वॉज द बिगेस्ट ट्री, यानी कि सेकेंड वाले में आएगा द, देयर डैश आउल एंड डैश क्रो वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस। तो इसका हो जाएगा, तो फर्स्ट में ए, सेकेंड में द, थर्ड में ए एंड फोर्थ में ए होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फैमिली को कंप्लीट करना है। फैमिली में क्या होते हैं? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इसके अलावा भी होते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। राइट द ऑड वन, बनाना, पोटैटो, गुआवा, ग्रेप्स, एप्पल। यहाँ पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का ग्रुप्स दिया है, तो यहाँ पर आपको ग्रुप में क्या बता रहा है? सिर्फ आप एक वेजिटेबल का नाम है, बाकी सब फ्रूट का नाम है। तो ऑड वन कौन सा होगा? पोटैटो। राइट प्ले वेंट जम सिंग। तो इसका हो जाएगा वेंट, वेंट मतलब गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस। पूजा इज डैश अ स्टोरी बुक, पूजा इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। फादर इज डैश फूड इन द किचन, कुकिंग होगा। रोहित इज डैश फुटबॉल प्लेइंग आ जाएगा इसमें। डू एज डायरेक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ही रोट अ लेटर एवरी डे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब में क्या लगेगा? एज या ईएस। तो यहाँ पर राइट का क्या, रोट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, और राइट के साथ एस लगाएंगे तो राइट्स हो जाएगा। अ लेटर, ही रीड द टेक्स्ट बुक, ही मेड नोट्स फ्रॉम इट। कंबाइन करना है इसको एंड से, तो कैसे करेंगे? ही रीड द टेक्स्ट बुक
एंड मेड नोट फ्रॉम इट इज माई फ्रेंड नीता बेस्ट। इसको करना है रीअरेंज, नीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद एप्लीकेशन लिखना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट का भी सॉल्यूशन चाहते हो, यानी कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विशिंग हिम ऑन बर्थडे, तो इसको भी मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखना है। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू धमतरी, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी द ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्लास 8 के अकॉर्डिंग। इतना ही आपको कंटेंट्स लिखना है, इससे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन अपने से करना चाहे तो। योर ओबिडेंटली कुमारी मीना क्लास 8 थैंकिंग। उसके बाद आपको डेट बताना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ये आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर नीचे आपको आंसर देना है। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ एलिफेंट को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एन एलिफेंट ड्रिंक डैश ऑफ वाटर इन अ डे 60 गैलॉन्स। उसके बाद है व्हाट डू एलिफेंट ईट, एलिफेंट ईट ग्रास फ्रूट एंड इनर बार्क ऑफ सम ट्रीज। उसके बाद वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एलिफेंट हंट एंड इट्स रैबिट, फॉल्स एलिफेंट लिव अलोन इन द फॉरेस्ट, ये भी गलत है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कैटन काइट लैम लैम्प लाइट एंड पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर। द पिक टेल्ड गर्ल वॉज क्या जाएगा इन दी फोटोग्राफ, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। द कलर ऑफ द बटरफ्लाई वॉज डैश, तो इसमें येलो, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक रेड येलो ब्लू, तो इसका हो जाएगा येलो। हु वॉज द ओल्ड लेडी, ग्रैंड मदर वॉज द ओल्ड लेडी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉट वॉज ग्रैंड मदर डूइंग, ग्रैंड मदर वॉज निटिंग, यानी कि बुनने का काम कर रही है। उसके बाद है वॉट वॉज द बॉय ट्राइंग टू फाइंड, द बॉय वॉज ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल पिग टेल्ड गर्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमेल है, ईमेल को फिल आउट करना है। फ्रॉम में आपको लिखना है सुजा सुरेश 67@gmail.com। उसके बाद टू है अन्ना जॉन 621@gmail.com, सब्जेक्ट कंग्रेचुलेशन या ग्रीटिंग ऑन सक्सेस। डियर अन्ना कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, वी मस्ट हैव अ पार्टी। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट में योर लविंगली आर सिंसियरली सुजा। उसके बाद आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसे अगर आपको चाहते हो तो। मैंने अभी माय फैमिली को डिस्क्राइब किया हूँ, अगर पूरे सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लोग कमेंट्स पर मैसेज करें। माय फैमिली के बारे में आपको इस तरह से लिखना है, आई हैव वंडरफुल फैमिली, आई लव ऑल माई फैमिली मेम्बर, देयर आर 6 मेम्बर्स इन माई फैमिली, इट इंक्लूडेड मी माई पेरेंट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स। माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ होम मेकर, दे बॉट टेक केयर ऑफ मी। माई ग्रैंड फादर इज अ रिटायर्ड सर्विस मैन एंड माई ग्रैंड मदर इज अ नॉ नाइस लविंग लेडी, बोथ देम आर केयरिंग एंड सपोर्टेटिव। आई एम इन द 6th स्टैंडर्ड, माई यंगर सिस्टर इन द 2nd स्टैंडर्ड, सी इज वेरी क्लेवर। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स लव रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। माई फैमिली गोज फॉर अ पिकनिक वंस एवरी 2 वीक, वी टेक अवर इवनिंग मील्स टूगेदर। माई फैमिली हेल्प मी टू बिकम अ गुड पर्सन, माई फैमिली इज अ हैप्पी एंड स्वीट फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।